खबर, बड़ी खबर, एनआईए में नकल के मामले में आज के घटनाक्रम का पटापेक्ष हुआ है, पटाशेप हुआ है और करीब 8 घंटे के प्रदर्शन के बाद मामला शांत हुआ। नकल के मामले में मारपीट करने वाले बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संस्थान निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा के प्रयास रंग लाए। देर रात पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ वार्ता और अधिकांश मांगों पर सहमति के बाद छात्र हॉस्टल में लौटे। मुख्य द्वार का जाम खोला गया। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के अंदर आज दोपहर से बड़ा मामला गरमाया हुआ था। मामला था एक छात्र के नकल से जुड़े हुए इशू का। उसके बाद से अभी तक देर रात तक बड़े छात्र जो है कॉलेज परिसर में इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, पुलिस प्रशासन की जद्दोजहद के बाद दोनों पक्षों में मामला शांत हुआ था। क्या मामला था और अभी क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के, पहले बात करते हैं छात्रों से, क्या इशू हुआ था आज सुबह नकल को लेकर, क्या इशू आया था और उसके बाद क्या क्या मांगे थी आपकी जिसको लेकर प्रशासन मान गया है? सर, किसी स्टूडेंट को आज ऐसे, अब उसको कंफर्म नहीं कर सकते नकल की उसने नहीं की, लेकिन ऐसे उसको एक अनफेयर मीन्स के साथ, उसके पास में पड़ा था बगल में कागज़, उसके पास नहीं पाया गया। चेकिंग भी उसके अच्छे से रूम में और कैमरे भी चालू हैं वहाँ, और बाकी उसको अंदर रूम में ले जाके उसके जो उसका कागज़ था उसको उसके पास रखा गया, उसमें कुछ भी उस पर अनफेयर मीन्स नहीं पाए गए और उसको बाबू के द्वारा उसको पीटा गया, ज़बरदस्ती से थोपा गया। क्या हुआ उस मामले में, आप क्या हुआ उस मामले में? उस मामले में सोल्यूशन हो गया उसका, अपने डायरेक्टर सर ने उसका रिलीव कर दिया, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया उसका। और दूसरी बात रही बात यूनियन की, यूनियन की एक मांग थी हमारी, तो यूनियन ने अलाउ कर दिया कि यूनियन एग्जाम बाद आप यूनियन कर दी जाएगी। डायरेक्टर सर ने हमारी मांग जो थी और जो मांग थी जिनको लेकर के आप आंदोलन थे 4 घंटे से लगातार मुख्य गेट को बंद करके काम कर रहे हैं, वो एक डिसीजन जो हमारे फेवर में आना चाहिए था वो सर डायरेक्टर ने हमारे फेवर में डिसीजन दे दिया है, उसको रिलीव कर दिया है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया है और अब आगे से उसका कोई रिलेटेड नहीं रहेगा यहाँ से सेक्शन शाखा में उसका। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है संस्थान के डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे हो गए पूरी व्यवस्था संभाले हुए थे यहाँ पे, छात्रों से संवाद बनाए हुए थे। सर, क्या तो इशू आया था और अभी जो पूरा मामले का पटाक्षेप हुआ है, क्या हुआ है? हाँ जी, सुबह जैसे सर में विदित ही है कि एक छात्र को एग्ज़ाम के दौरान अनफेयर मीन्स के साथ पकड़ा गया और उस छात्र को फिर जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई के तहत जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोल रूम है वहाँ ले जाया गया और वहाँ उसका केस जो है वो बनाने लगे। तो उस वक्त जो सामने आई बात कि उस छात्र ने वो जो कागज़ है वो मुंह में डाल लिया और उसको वो चबाने लगा, तो वहाँ पर जो बाबूजी थे उसने जो है उसको शायद उसको पकड़ करके वो निकलवाने की कोशिश करी। तो छात्र जो है उसका ये आरोप है कि उसने मारपीट की, जबकि हमने जब बाबू का जो पक्ष सुना तो वो कहता मारपीट नहीं करी, मैंने सिर्फ वो जो निकल रहा था उसको निकलवाने की कोशिश करी। छात्रों में इसी बात फाइनल अभी क्या बात हुई है, फाइनल क्या डिसीजन हुआ है? बच्चों को अब शांत कर दिया है, देर रात का माहौल है। हाँ देखिए, बच्चों का आक्रोश जो था वो एक सही था, एक डॉक्टर के साथ अगर ऐसा होता है तो वो निश्चित रूप से चिंतनीय बात है, लेकिन क्योंकि किसी बात को बिना उसके जांच के समझ पाना मुश्किल था, लेकिन उस बाबू का बच्चों की डिमांड पर, वैसे वो पहले से ही अंडर ट्रांसफर था लेकिन ये सोचा गया था कि एग्ज़ाम के बाद उसको रिलीव करेंगे, तो हमने जो है इनकी जो मांग पर हमने तुरंत उसको रिलीव करने का निर्णय लिया है। बाकी इनकी एक और भी मांगे थी उनको लेकर के भी आपका, जो मांगे इनकी थी जिसको मांगे लेकर के कभी वैसे मेरे पास इस मांग को लेकर के ज़्यादातर आई नहीं है, लेकिन फिर भी आज इन्होंने मांग रेज करी है कि इनकी एक एसोसिएशन होनी चाहिए। एसोसिएशन वैसे मैंने ही आकर के एक एसोसिएशन बनाने का निर्णय लिया था, तो उस एसोसिएशन का जो प्रारूप था वो एसोसिएशन चली भी, लेकिन अब भी इनको जो है वो डिफरेंट प्रारूप चाहिए, तो इनके साथ बैठ करके एक बार तय कर लेंगे, क्योंकि ये तय है कि एसोसिएशन बनानी है। तो ये थे हमारे साथ संस्था के निदेशक, जिन्होंने साफ कहा है कि जो डॉक्टर्स के साथ जो इशू हुआ था उस पूरे इशू का पटाक्षेप हो गया है, जो छात्रों की मांग थी उसको मांग लिया गया है, जिसके चलते अब जो छात्र है वो भी शांत है और अब सभी लोग सामान्य तरीके से संस्थान में कामकाज चल रहा है। कैमरा पर्सन मोहन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।